नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि टाइल्स का जो स्टैंड बनता है, जो दुकान में आप हर जगह लगे देखते हैं, वो किस तरीके से बनता है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले प्लाईबोर्ड को जितना बाई जितना का आपको बनाना है, ये 8x4 का डिस्प्ले है, ये जो लगा हुआ है वो 8 फीट ऊंचा है और ये लंबाई तो आपका जितना है उतना ही रहेगा। तो आखिर ये बनता कैसे है, बहुत सारे दुकानदार को समझ में नहीं आता कि ये कैसे बनता है, कैसे बनवाएं। जिनको बनवाना है, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि आखिर ये बनता कैसे है। जिनको नया नया दुकान करना है या जो भी लोग टाइल से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी हम आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके दुकान के लिए, आपके मकान के लिए देते रहें। तो आज मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आखिर ये बनता कैसे है। तो पहले देख लीजिए, इसमें इस तरह से पार्टीशन होता है। आप देखिए, इसको इस तरह से पार्टीशन होता है, काट के पार्टीशन करता है और उसके ऊपर बोर्ड लगता है। तो ये पहले उनाए समय प्लाई का, अच्छा से समझिएगा, उनाए समय प्लाई का ये जो देख रहे हैं ये पार्टीशन है और इसके ऊपर यहाँ से 12 mm प्लाई आप अपना इच्छा अनुसार 19 mm भी दे सकते हैं, 12 mm भी दे सकते हैं। इस पर वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स कुछ भी लगा सकते हैं। और ये देखिए, लास्ट नीचे से स्पेस ज़्यादा रहता है, नीचे से 7 इंची 6 इंची लेके चलता है और ये ऊपर जाते जाते कम हो जाता है, जीरो हो जाता है ये। और उसके बाद ये जो टाइल, ये हमारा सिर्फ पार्टीशन है और जो हमारा टाइल्स रहेगा वो इस पे रहेगा। ये ऊपर से 12 mm का मैंने प्लाई दिलवाया है, ये 19 mm से पार्टीशन किया है ताकि ये पीछे मजबूती रहे और ये ऊपर से 12 mm का प्लाई है। तो आखिर ये बनता कैसे है, अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये पहले इस तरीके से ऐसे इसको मशीन से काट लिया जाता है, कटर मशीन जो है, कटर मशीन से पहले उसको इस तरीके से काटा जाता है और उसके बाद उस पर ये इस तरीके से ये बनाया जाता है, देख सकते हैं आप। चलिए, अब इसके बाद मैं आपको इसका पिछला पोर्शन दिखाता हूँ। देखिए कि कैसे इस तरीके से, देखिए नीचे देखिएगा, नीचे से देखिए कितना करके ऊपर जीरो, एकदम ऊपर आते आते एकदम जीरो हो गया है ताकि टाइल स्ट्रेट से खड़ा रहे और टाइल्स लगाने के बाद जॉइंट पता ना चले, उसके लिए ये है। ये आप प्लाई कोई भी दे सकते हैं, मैंने ये नॉर्मल प्लाई दिया है जो 19 mm का हमको 50 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ा है। और अगर आप चाहें तो इसमें आप महंगा प्लाई भी दे सकते हैं, वाटरप्रूफ भी दे सकते हैं, पर मैंने नॉर्मल दिया है। ऐसे नॉर्मल ही देना चाहिए, उतना ज़्यादा महंगा प्लाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद जैसे जब ये हो जाएगा, देख सकते हैं आप, उसके बाद इस पर ये पार्टीशन पड़ेगा ये, उसके बाद ये ऐसे लगेगा, ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा 3-4 लगेगा नीचे से लेके पूरा ऊपर तक, ठीक है। ये ऐसा ऐसा आपको 3-4 लगेगा, बाकी लगने के बाद मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। इधर देखिए, ये सिंगल प्लाई दिया हुआ है, ये भी सिंगल है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये डबल कर दिया गया है। वो डबल इसलिए किया गया है ताकि वो सपोर्ट बीच में ज़्यादा रहे, इसके लिए डबल। फिर ये सिंगल है, फिर देखिए ये एक डबल है, फिर देखिए ये सिंगल है, ये डबल है, फिर ये एक सिंगल है और ये डबल है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा जो रहेगा वो पैनल के ऊपर रहेगा। देखिए पैनल भी हम बताएंगे कि कैसे फिट होता है, कैसे लगता है, वो हमारा अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये प्लाई वाला कैसे बनता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं प्लाई वाला जो टाइल्स का डिस्प्ले होता है वो कैसे बनता है और कैसे लगता है। वो आप किसी भी जो मतलब मिस्त्री को दिखाइएगा तो आप समझ लीजिए कि इसी तरीके से बनेगा। बाकी इसमें आपका मर्जी रहेगा तो आप पीछे भी, अगर आपका दीवार है तो आप पीछे प्लाई नहीं भी दे सकते हैं, सिर्फ ये वाला जो बीट लगेगा इस पर कांटी से वो दीवार में ठोका जाए, नहीं तो आपको मन है थोड़ा मजबूत करने का तो इसमें पूरा प्लाई से आप पैक भी कर। मैं तो इसको पूरा प्लाई से पैक करवाऊँगा क्योंकि मेरे इस साइड दीवार नहीं है। फिर देखिए जब ये रेडी हो जाएगा, इसके ऊपर फिर
कपड़ा लगेगा। वो कपड़ा कौन सा लगेगा वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए ये कपड़ा लगेगा, और कपड़ा लगने के बाद उस पर वो कपड़ा जो होता है इस टाइप का लगेगा, इस टाइप का कपड़ा लगेगा। देख लीजिए कपड़ा को अच्छा से देख लीजिए, इस टाइप का कपड़ा लगेगा। इसका नाम मुझे नहीं पता इस कपड़ा का, लेकिन यही कपड़ा लगेगा। ये कपड़ा जब इस पे लग जाएगा, इस पे जब ये कपड़ा लग जाएगा, फिर उसके बाद देखिए टाइल्स उस पर कैसे रहे, मतलब कि अटकेगा। उसको खड़ा रहने के लिए जो चाहिए वो टाइल्स देखिए, नीचे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ आपको थोड़ा सा स्पेस दिख रहा होगा, उस पर टाइल्स रहेगा। और कपड़ा में देखिए ये वाला जो है वो अलग से लगता है। इसको अच्छे से देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, ये वाला टाइल्स के बैक में लगेगा, और ये पीछे इस पर फेविक्विक या फेविकॉल देखिए चिपकेगा, और उसके बाद ये जो है वो कपड़ा पर चिपकेगा, उल्टा करके लगेगा ये टाइल्स के पीछे। अगर 2x2 टाइल्स है तो और बड़ा लगेगा। ये 12x18 टाइल्स के लिए कट किया गया है, तो ये 12x18 के मतलब टाइल्स के चारों कोना में ये वाला लगेगा, और पीछे में ये लगेगा। जब ये पीछे में ऐसे फेविकॉल या फेविक्विक दे के टाइल्स के पीछे चिपक जाएगा, और फिर ये जो रहेगा वो आपको इस कपड़ा में ऐसे 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 चिपक जाएगा, इस तरीके से ऐसे चिपक जाएगा, और उसी पर टाइल्स रहेगा तो ये नहीं गिरेगा। याद रहे टाइल्स के चारों कोना में ये वाला देना है काट काट। आप और बड़ा दे सकते हैं, हम ये बस सैंपल के लिए आपको दिखाया है। अब ज़रूरत अनुसार बड़ा छोटा, 2x2 जो रहेगा उसमें काफ़ी बड़ा पड़ेगा। उसमें अगर इस टाइप का है तो 10x8 ऐसा दे सकते हैं कि जिसमें आपको गिरे नहीं टाइल्स, अच्छे से आप देख सकते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको ऐसे ही टाइल्स रिलेटेड, जो भी लोग टाइल्स का बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करने वाले हैं, या जो भी लोग आगे किसी भी प्रकार का बिजनेस करने वाले, वो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊँगा कि कैसे ये स्टैंड खड़ा होता है, और कैसे टाइट किया गया है, स्क्रू पे कसा गया है, ये मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये पार्ट बाय पार्ट इसका मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये बनेगा। ये सब अलग अलग आता है, ये सब अलग अलग आता है, लेकिन ये इस पर कैसे सेट होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। बाकी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी लोग बिजनेस करने वाले हैं, या टाइल्स का मिस्त्री हैं या दुकानदार हैं, वो हमसे जुड़ें, ताकि उनको मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में बना के देता रहूं। और जो लोग इन फ्यूचर बिजनेस करने वाले हैं, वो भी अभी से हमारे वीडियो को देखें, ताकि जब वो बिजनेस करेंगे, जिस टाइम जिनको बिजनेस करने का मन है, वो हमारे वीडियो को देखें, ताकि उनको मैं इन फ्यूचर जब वो बिजनेस करेंगे तो उनको बहुत सारा नॉलेज तब तक गेन हो जाएगा।